कांग्रेस ने आज अपने लोकसभा के प्रत्याशियों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है। चौथी लिस्ट में कांग्रेस ने इस बार 46 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। वहीं कांग्रेस ने मध्य प्रदेश से भी 12 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है, जिसमें रीवा से नीलम मिश्रा, सागर से गुड्डू राजा बुंदेला, शहडोल से फुंदेलाल सिंह मार्कम, जबलपुर से दिनेश यादव, बालाघाट से सम्राट सारस्वर, होशंगाबाद से संजय शर्मा, भोपाल से अरुण श्रीवास्तव, राजगढ़ से दिग्विजय सिंह, उज्जैन से महेश परमार, वहीं मंदसौर से दिलीप सिंह गुर्जर, रतलाम से कांतिलाल भूरिया और इंदौर से अक्षय बम। इसी के साथ अब एमपी में कांग्रेस की 6 सीटों पर नाम घोषित होना बाकी है। इन उम्मीदवारों पर आपकी क्या राय है? क्या कांग्रेस के महारथी बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे, या 29 की 29 सीटें जीतने का दावा करने वाली बीजेपी अपनी बातों और दावों पर खरी उतरेगी? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।